तो क्लास पिछली बार हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ा और एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमने देखा कि कोई भी हम कंडक्टर लेते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर लेते थे, उसके चारों ओर हम एक एम्पीरियन लूप बनाते थे, इमेजिनरी लूप। एम्पीरियन लूप वो लूप होती है जो करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करती है, घेर लेती है, कवर करती है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर हम इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड लाइन इंटीग्रल निकालें, ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन इट। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का मतलब है इस लेंथ को हमें ऐड करना है और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेना है और वो बराबर होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप। तो हम एसीएल की एप्लीकेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड को। सोलेनोइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में भी। सोलेनोइड बेसिकली एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही होती है जिसमें करंट फ्लो होता है। तो इस सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि अगर हम ऊपर वाले पॉइंट्स देखें, ये वाले पॉइंट्स, तो इन वाले पॉइंट्स में करंट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और वहीं हम नीचे देखें तो करंट की डायरेक्शन क्रॉस है, इसका मतलब इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर करंट ऊपर आ रहा है, फिर नीचे, फिर करंट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर करंट ऊपर आ रहा है, नीचे। इस तरीके से करंट जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसके अंदर हम कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? कि ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड की हम लेंथ ले लेते हैं एल, राइट। और इसमें 1 2 3 4 5 कितने टर्न्स हैं? तो नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं हम कैपिटल एन, ठीक। और एक टर्म और एज्यूम करते हैं हम स्मॉल एन, विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। ये कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। इन सारी चीज़ों को जानते हुए वी विल यूज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इसमें बायोट सेवर्ट लॉ लगाने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, राइट। सो वी विल यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब क्लास 10th में हमने एक चीज़ तो देखी थी कि सोलिनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, सोलेनोइड के चारों तरफ भी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये सोलेनोइड हमने इस तरीके से एज्यूम कर लिया है। डॉट आपको बताया था कि डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब बताया था। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक ये हमने एज्यूम किया। एक बात और एज्यूम करिए कि ये जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है इन कंपेरिजन टू इट्स विड्थ। तो हम इसको काफ़ी बड़ा सोलेनोइड इमेजिन कर रहे हैं। सो इफ द सोलेनोइड इज लार्ज इन लेंथ देन द मैग्नेटिक फील्ड हेयर एट दिस पॉइंट विल बी जीरो, सो ऑलमोस्ट जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के अंदर वो सिर्फ अंदर रहेगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर फिंगर करंट जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर फिंगर नीचे की तरफ, करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिंगर्स आप इस तरीके से अरेंज करो कि इस पॉइंट पर फिंगर ऊपर की तरफ आनी चाहिए, तो आपका अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो अंगूठा आपका राइट साइड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट फॉर डायरेक्शन। अब इसके अंदर हम कैसी एम्पीरियन लूप इमेजिन करें? सर्कल नहीं, सर्कुलर हम एम्पीरियन लूप इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्कल जो है वो सारी डॉट्स को एनक्लोज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आप एम्पीरियन लूप रेक्टेंगल ले रहे हो, तो एम्पीरियन लूप कैसे कैसे लें हम? क्या अंदर ले लें? राइट। अगर हम एम्पीरियन लूप अंदर लेते हैं जैसे मैंने अभी बनाया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट एनक्लोज है ही नहीं। जब करंट एनक्लोज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड
जीरो आ जाएगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, हम एम्पीरियन लूप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर करंट इनफ्लोज नहीं है। वहीं अगर हम एम्पीरियन लूप कुछ इस टाइप की इमेजिन करें, तो अगर हम इस टाइप की एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है, अगेन टोटल करंट एनक्लोज विल बी जीरो। तो ना हम एम्पीरियन लूप अंदर ले सकते हैं, ना हम एम्पीरियन लूप ऐसे ले सकते हैं कि बाहर आए, तो हम आधा अंदर और आधा बाहर इमेजिन करेंगे इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एम्पीरियन लूप किस तरीके से बनाई हुई है, हम इस तरीके से एम्पीरियन लूप ले लेंगे। एम्पीरियन लूप हमने ले ली ए बी सी डी, और इसकी लेंथ जो है हम एल ले लेंगे। तो अब हम एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाते हैं। व्हेन वी विल अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ हेयर, तो हमें निकालना है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्योंकि एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि करंट एनक्लोज कितना आ रहा है, तो हमें देखते हैं कि कितनी बार करंट जो है इसके अंदर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसमें n बार जो है करंट रिपीट हो रहा है। सो करंट एनक्लोज विल बी n टाइम्स द करंट, ठीक है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लेना है, मतलब ये हमने एम्पीरियन लूप इमेजिन करी है ए बी सी डी, देख रहे हैं आप ए बी सी डी, तो हमें ए से लेकर ए तक पूरा इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। वी विल डिवाइड दिस इंटीग्रेशन इनटू फोर पार्ट्स एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सो दिस क्लोज्ड इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ए टू बी बी डी एल, बी टू सी बी डी एल, सी टू डी बी डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल, ठीक है, डी टू ए बी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि करंट एनक्लोज्ड एन आई आ गया था। अब इन चार इंटीग्रल में से तीन इंटीग्रल जो हैं आप देखेंगे डायग्राम में दे विल बी जीरो। हाउ, आप इस इंटीग्रेशन पर ध्यान दो, यहाँ पर डी एल जो है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमने कहा था एम्पीयर सर्किटल लॉ में कि हम एम्पीयरियन लूप ऐसे चूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो अलोंग द लेंथ हो या फिर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बी डॉट डी एल का जीरो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है सी से डी वाला, सी से डी वाला भी जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि हम सोलेनोइड बहुत बड़ा इमेजिन कर रहे हैं। अगर सोलेनोइड बहुत बड़ा होगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन पॉइंट्स पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है तो हम जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो वो इंटीग्रेशन भी जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये तीन पार्ट्स जो हैं ए बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये तीनों जीरो हो जाएंगे। सो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल ऑल्सो बी जीरो। तो इंटीग्रेशन बचा हमारा सिर्फ कौन सा, ए टू बी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन एल आएगा और लेंथ ऑफ द सोलेनोइड हमने ली थी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड यू विल सी दैट ये जो एन जो है एल when it will go on right hand side n by l will give you small n, so you'll get that the magnetic field is mu naught n I, right? I hope you have understood. So magnetic field is mu naught times number of turns per unit length into current flowing through the solenoid. Now let us talk about toroid. अगर हम solenoid के दोनों open end को अगर हम join कर दें, सोलेनॉइड क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग के दोनों ओपन एंड्स को अगर आप मिला दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको आप सोलेनॉइड बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम टोरॉइड बोलते हैं। सो दिस इज टोरॉइड। अभी जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं। तो तीन पॉइंट हैं जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। नंबर वन इज Q जो कि बाहर है, नंबर
टू इज बी जो कि टोरॉइड के अंदर है, और पी जो कि बिल्कुल हम अंदर ले सकते हैं, टॉरॉइड के अंदर नहीं, मतलब ये जो बीच वाला जो गैप है इसके अंदर है जहाँ पर स्प्रिंग या मेटेलिक पार्ट नहीं है। इन तीनों पार्ट्स में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो वही करंट की डायरेक्शन, करंट इस तरीके से लिया हुआ है कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। तो जो ये वाली साइड है आउटर साइड, वहाँ पे करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट है। जो इनर साइड है वहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस। तो ये डॉट क्रॉस का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट अस टेक पॉइंट क्यू। तो क्यू पर निकालने के लिए हमने एम्पीरियन लूप बनाई, सर्कल बनाएंगे क्योंकि अब हमारा जो सर्कल है वो एनक्लोज कर सकता है क्योंकि टॉरॉइड भी हमारा सर्कुलर है, ठीक है। तो क्यू पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम करंट एनक्लोज निकालेंगे क्यू पर, तो आप देखो कि जितने डॉट हैं जितनी बार बाहर आ रहा है उतनी बार अंदर जा रहा है। तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट फॉर दिस एम्पीरियन लूप। जो हमने क्यू पर एम्पीरियन लूप बनाई है उसके लिए उसके अंदर जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है। तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट विल बी जीरो। अब अगर आप एम्पीयर सर्किट का लॉ लगाओगे क्यू के लिए, यू विल सी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो आ गई, करंट इनक्लोज जीरो आ गया। सिमिलरली अगर आप पी के लिए चेक करो, पी के लिए अगर हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं तो इसके अंदर तो करंट इनक्लोज है ही नहीं, तो पी के लिए भी जीरो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एस के लिए, जो हमने पॉइंट अंदर लिया था, जिसको ये यहाँ पर बी लिख रहा है और यहाँ पर एस लिख रहा है। बी ये यहाँ पे इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर था, पॉइंट हम एस ले रहे हैं, ठीक है। तो एस वाले पॉइंट पर हमने एम्पीरियन लूप बनाई है। इस एम्पीरियन लूप में आप देखो इसके अंदर करंट इनक्लोज कौन से वाला है? क्रॉस वाला है। कितने क्रॉस? एन क्रॉस, एन टाइम्स। तो करंट एनक्लोज हो जाएगा एन इंटू आई, जैसे हमने सोलेनोइड में किया था। करंट एनक्लोज कितना हो गया? एन इंटू आई। तो एन इंटू आई कर दिया, एम्पीयर सर्किट का लॉ लगाया, ठीक है। एम्पीरियन लूप की जो क्लोज लाइन इंटीग्रल आएगा वो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आप लगाएंगे विल गेट द एक्सप्रेशन, राइट। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, दिस विल बिकम नंबर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन। सो यू विल सी दैट एक्सप्रेशन जो है सोलेनोइड टोरॉइड की लगभग एक जैसी है। द रिजल्ट फॉर द सोलेनोइड इज ऑलमोस्ट सेम एज द रिजल्ट ऑफ द टोरॉइड, राइट। नाउ दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड, इट इज ऑल्सो यूज इन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। चार्जेस को जो है रोक कंसंट्रेट करने के लिए, हम एक जगह रखने के लिए, फोकस्ड करने के लिए, जैसे लेंसेज हमने देखी कॉन्वेक्स लेंस या मिरर देखा कॉनकेव मिरर, वो लाइट को एक जगह फोकस कर देते हैं, हम यूज़ करते हैं इस टोरॉइड को भी। कैसे? हम लोगों को पता है कि जब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, इट मूव्स इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अगर मान लो सोलेनोइड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होती है। आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वीक जाएगा तो जो सर्कल है उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और जो है सोलेनोइड रखा हुआ है, एक और कॉइल रखी हुई है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तो फिर से इसकी रेडियस कम होती जाएगी, और आप देखेंगे ये जो चार्जेस हैं वो एक जगह फोकस हो रहे हैं। तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चार्जेस को कहीं बॉम्बार्ड करवाना है तो फोकस करके हम अपने टारगेट पर हिट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, राइट। सो देर इज़ वन न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इजी। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, कैपिटल एन दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है। वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वट मैग्नेटिक फील्ड? तो पहले हमने स्मॉल एन निकाला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन अपॉन एल, स्मॉल एन मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन, राइट।